नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं डिप्रेशन, जिसे हिंदी में अवसाद भी कहा जाता है, डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स हैं, उसके कारण क्या हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवालों और सुझावों को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। डिप्रेशन पूरे वर्ल्ड वाइड एक कॉमन ब्रेन डिसऑर्डर या एक डिसेबिलिटी का भी एक प्रॉब्लम मान सकते हैं। 5% करीब करीब ग्लोबली पूरे विश्व भर में लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं और ये डिप्रेशन महिलाओं में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला ही इससे प्रभावित हो रही हैं, डिप्रेशन पुरुषों को भी बच्चों को भी प्रभावित करता है, लेकिन महिलाओं में इसकी संख्या थोड़ा ज़्यादा है। डिप्रेशन होने की स्थिति में मूड डिसऑर्डर कंडीशन में आ जाता है, हमेशा दुखी जैसा महसूस होगा और कई बार तो जिनको डिप्रेशन सीवियर हो जाता है वो अपने प्राण को भी लेने के या प्राण हानि के भी कई ऐसे नेगेटिव स्टेप्स भी ले चुके होते हैं। कॉमनली ये देखा गया है कि अधिकांश सुइसाइडल जो कंडीशन होते हैं, आत्महनन की घटनाएं होती है, उसमें डिप्रेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में काम करता है। तो आज मैं डिप्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को आपके सामने रखूंगा, कैसे पहचाना जा सकता है कि पेशेंट इंडिविजुअली डिप्रेशन के कंडीशन में आ गए हैं या अवसाद ग्रसित हो गए हैं। सबसे पहला लक्षण है दुखी होता रहना, बराबर सैडनेस फीलिंग आता रहेगा, एक हताशा या निराशा वाली स्थिति बरकरार रहेगी। कई बार तो चिड़चिड़ेपन, बच्चों में जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं वो इरिटेबल टेंडेंसी को शो करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हताशा ग्रसित हो जाते हैं। जिन चीज़ों में उनको अच्छा लगता है वो चीज़ों में उनको इंटरेस्ट नहीं लगता, फ्रस्ट्रेशन लगने लगता है। डिप्रेशन में रहने वाले पेशेंट या तो बहुत ज़्यादा खा करके मोटे हो जाते हैं या बहुत कम खाना खा करके दुबले हो जाते हैं। कई बार देखा गया है डिप्रेशन में रहने वाले पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद आता है या कई बार बिल्कुल स्लीपलेस नाइट भी निकालते हैं, मतलब बिना नींद के अनिद्रा दोष का भी शिकार होने लगते हैं। अधिकांश डिप्रेशन के पेशेंट को लो एनर्जी या थकावट या कमजोरी जैसा महसूस होने लगता है, सर में दर्द, पेट में दर्द और सेक्सुअल डिसफंक्शन की भी स्थिति पैदा हो सकता है। इसके साथ साथ जो बहुत बड़ा एक मेजर हिस्सा है डिप्रेशन का, उसमें कई बार खुद को नुकसान पहुँचाने की एक टेंडेंसी या सुइसाइडल टेंडेंसी, आत्महत्या की चेष्टा भी एक बहुत अहम लक्षण के रूप में डिप्रेशन के पेशेंट्स में पाया जाता है। अब मैं डिप्रेशन के मूल कारणों के बारे में बात करूंगा। डिप्रेशन के पेशेंट्स को देखा गया है कि वो ब्रेन रिलेटेड कुछ इम्बैलेंस हो जाने पर, जैसे जो न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन में, सेरोटोनिन या डोपामाइन, इनके इम्बैलेंस के वजह से भी कई बार डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। डिप्रेशन में रहने वाले पेशेंट्स के अधिकांश लोगों में ये पाया गया है स्टडीज़ के द्वारा कि जेनेटिक, अगर परिवार में ऑलरेडी माता पिता या कोई भी पहले के लोग हैं जिनमें ये डिप्रेशन की स्थिति रहती थी, तो ये जेनेटिक्स की परंपरा के अनुसार भी ये आ सकता है। क्रॉनिक पेन या डायबिटीज़ की स्थिति में भी कई बार डिप्रेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। सम काइंड ऑफ मेडिकेशंस होते हैं कई प्रकार के, उनको अगर अत्यधिक यूज़ किया जाए तो उसके वजह से भी डिप्रेशन बन सकता है। इसके साथ साथ अल्कोहल का ओवर यूज़ करना, अत्यधिक मदिरापान करने वालों में भी डिप्रेशन की स्थिति बन सकता है। अब मैं इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में बात करूँगा। आमतौर पर साइकोथेरापी या टॉक थेरेपी या काउंसलिंग के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। इसके अलावा कई एंटी डिप्रेशेंट मेडिकेशंस भी होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के रूप में आप एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर या
आयुष की पद्धति के तहत आप होम्योपैथी या आयुर्वेदा को भी आप इसमें ले सकते हैं। ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी इसमें बहुत फ़ायदा करता है। इसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, क्वालिटी स्लीप को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल 5 से 7 घंटा आराम से सोना चाहिए। अपने डाइट को हेल्दी रखने का प्रयास कीजिए, जिसमें पूरी तरह से सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए। अल्कोहल से थोड़ी दूरी बना के चलिए, बिल्कुल ही अल्कोहल इस्तेमाल नहीं कीजिए। कोशिश कीजिए अपने टाइम को अच्छे से अच्छे लोगों के बीच में बिताने के लिए, हेल्दी एंटरटेनमेंट करें। मेडिटेशन और योगा जो है बहुत हेल्पफुल होता है, प्राणायाम के द्वारा भी इसमें बहुत हद तक सक्सेस पाया जा सकता है, डिप्रेशन दूर हो सकता है, अवसाद दूर हो सकता है। इसके साथ साथ हमेशा ये जरूर ध्यान रखिए कि किसी भी तरीके से व्यसन में नहीं जाना चाहिए, एडिक्शंस में नहीं जाना चाहिए। कई तरह के ड्रग्स वगैरह या कई तरीके के ऐसे एडिक्शंस के सामग्रियां हैं, उनसे ज़रूर दूरी बना के चलना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से अपने लाइफ को सेट कर लेंगे तो डिप्रेशन जैसे अवसादग्रस्त स्थिति से प्रिवेंट भी करके रख सकते हैं और स्वस्थ ज़िंदगी का आनंद उठा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दिया गया इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे। इसी प्रकार के कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या चिकित्सा हेतु अगर आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।